और इस वक्त की बड़ी खबर, साध्वी प्राची अपने विवादित बयान पर कायम है। साध्वी प्राची ने कहा था कि संसद में आतंकी बैठे हैं। इसी मामले में आज उनकी पेशी प्रिविलेज कमेटी के सामने हुई थी। पेशी के बाद जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। साध्वी प्राची हमारे साथ है। साध्वी जी, आज आपकी प्रिविलेज कमेटी के सामने पेशी हुई है, तो क्या क्या आपसे सवाल जब हुए आज? वो तो समिति के लोगों से ही पूछना, समिति में काफ़ी लोग हैं, उनसे आप बात करना, वो अंदर की बात है। मैं ना कहूँ तो अच्छा है, लेकिन मैं एक बात कहूँगी कि मुझे दबाने के लिए मेरे ऊपर बहुत प्रेशर बनाया जा रहा था, किसी तरह माफ़ी मांगे। मैंने गलत नहीं कहा, मैंने कहा मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, क्या मुझे स्वतंत्रता नहीं है अपनी बात कहने की? क्या जो हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं, क्या उन्हें अधिकार है अपनी बात कहने का? हमें कोई अधिकार नहीं है। और मैंने जो कहा मैंने ठीक कहा। आपने कहा कि कमेटी के अंदर कुछ लोगों ने आपसे ऊंची आवाज में बात की। हाँ, चीख चीख करके दबाने की कोशिश की मुझे, कौन प्रेशर बनाने की बात की। मैं नाम नहीं लूंगी, अभी समय पर नाम ले लूंगी। और जो आपने जो उस वक्त बयान दिया था कि संसद में एक दो आतंकी बैठे हैं, क्या आप उस बयान पर भी कायम है? हिंदुस्तान का खाते हैं, हिंदुस्तान का पीते हैं, हिंदुस्तान की सांस लेते हैं, फिर भी कहते मेरी गर्दन पे चाकू रख दो, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। आप उस बयान पर अपने कायम है? मैं निश्चित रूप से कायम हूँ। आपको आप अगर आपका जो बयान आपने दिया था, ये जो प्रिविलेज कमेटी है, ये आपके खिलाफ कार्रवाई की भी सिफारिश कर सकते हैं, तो आप उस कार्रवाई से नहीं डरते? नहीं, उनका जो काम है वो करिए, हम अपने बयान पर कायम है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन मुकेश कुमार के साथ आनंद प्रकाश पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली।